नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर एयरपोर्ट पुलिस ने पिस्तौल से फायरिंग कर लूट करने वाले दो आरोपियों को किया काबू। 32 बोर का पिस्तौल, मैगजीन, 6 जिंदा रौंद और मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के एलिवेटेड रोड ब्रिज पर हुआ एक हादसा। स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण महिला की कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलटी। संगरूर के उपली भरूर रेलवे ट्रैक पर नशे के टीके लगाते लड़कों की वीडियो हुई वायरल। पुलिस ने ट्रैक पर से नशे की सिरिंजों का भंडार किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर एयरपोर्ट पुलिस की ओर से पिस्तौल से फायरिंग करके राहगीर से 1,30,000 रुपए की लूट करने वाले दो आरोपियों को 24 घंटे में काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी इन्वेस्टिगेशन हरप्रीत सिंह मंडेर ने बताया कि गोली चलाकर मोटरसाइकिल सवार से लूट करने वाले दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने काबू कर लिया है, जिनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमृतपाल सिंह उर्फ पाला निवासी गुरु की वडाली छेरटा अमृतसर और अवतार सिंह उर्फ विशाल निवासी गुरु की वडाली छेरटा अमृतसर के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से 32 बोर का पिस्तौल, मैगजीन, 6 जिंदा रौंद और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हीरा पिंड एयरपोर्ट रोड से FIR नंबर 65 रजिस्टर्ड हुई थी 379B ते आर्म्स एक्ट, जिदे विच फाइनांस कंपनी के कुछ वर्कर आ रहे थे। उन्होंने को रस्ते दे विच इन्होंने मोटरसाइकिल ते उन्होंने रोक के पहला फायर किया, फिर उन्होंने को पैसे खोए। उस तो बाद मानयोग CP साहब दियां ऑलरेडी हदायत आया जी प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम ते टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिदे विच मनमोहन सिंह औलक SP सिटी ने, कमलजीत सिंह ACP ने और साढ़े CI2 के इंचार्ज दिलबाग सिंह ते कुलजीत साढ़े हैगे SHO एयरपोर्ट। इस टीम ने बड़ी मेहनत मशक्कत दे नाल जी इहनू टैक्निकली और ह्यूमन इंटैलीजेंस दे नाल इहनू डिवेलप करके इहनू ट्रेस किया। CCTV फुटेज खंगालियां गईयां, उस तो बाद इन्हां नूं आइडेंटीफाई किया गया। आइडेंटीफाई करन तो बाद ह्यूमन इंटैलीजेंस दे बेस ते ये दो जने अरैसट किए आ, अमृतपाल सिंह भाला ते अवतार सिंह विशाल। ये दोनों गुरु की वडाली छेटा दे रहण वाले आ जी। इन्हां दे कोलों जिहड़ा इन्हां ने पिस्टल वरत्या सी 32 बोर दा पिस्टल, 2 मैगजीन और 6 जिहड़े जिंदा कारतूस और जिहड़ा इन्हां ने मोटरसाइकिल यूज़ किया वारदात वो इन्हों को रिकवर किया बतौर एविडेंस और दोनों की अरैसट पाई है और हुण इन्हां नूं पेश किया सी तां इन्हां दा 4 दिन का जिहड़ा पुलिस रिमांड मिलिया। अमृतसर के एलिवेटेड रोड ब्रिज के ऊपर एक मोड़ पर स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण एक महिला कार चालक की कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलट गई। इस दौरान महिला की जान बाल बाल बची। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर ना तो कोई स्पीड ब्रेकर है और ना ही स्पीड संबंधी कोई बोर्ड लगा हुआ है, जिस कारण लोग इसके ऊपर तेज रफ्तार से आते हैं और मोड़ पर गाड़ी बेकाबू हो जाती है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में महिला की जान बाल बाल बच गई, तो वहीं महिला के पारिवारिक सदस्यों को सूचित कर उसे उपचार के लिए भर्ती करवा दिया है। अमृतसर से हलचल के लिए कैमरामैन सुनील खोसला की रिपोर्ट। गल ये हुई है फ्लाईओवर का जो टर्न आ बहुत खतरनाक आ, ना इतने स्पीड ब्रेकर वगैरह वा, इतने स्पीड ब्रेकर होने चाहिए जी। गड्डी जो टर्न ली वो लेडीज सी जी, वो तो संभली नहीं गड्डी, कंट्रोल नहीं हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, डिवाइडर से चढ़ी, नीचे उतर गई, फिर दोबारा चढ़ी, गड्डी पलटी है। किन्ने लोग से गड्डी दे विच? गड्डी च कल्ली ओ लेडी सी सीगी जी। अच्छा जी, बचा हो गया जी? हाँ जी बचा जी। तो प्रशासन नूं की कहना चाहोगे? जिहड़ा प्रशासन नूं यही कहना चाहुंदे आ जी, जां तां स्पीड कंट्रोलर दा होवे कोई सिस्टम, नहीं स्पीड ब्रेकर
ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸਕੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ उपली भरूर रेलवे ट्रैक के ऊपर और चंडीगढ़ बठिंडा नेशनल हाईवे रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कुछ लड़के नशे के इंजेक्शन लगाते दिखे, जिसका वीडियो वहां से गुजर रहे एक शख्स ने बना लिया, जिसमें दो लड़के नशे के इंजेक्शन को अपनी बाजुओं में भर कर लगा रहे हैं। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें रेलवे ट्रैक के पास नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज मिली, जिससे पता चलता है कि नशे के आदि लोग यहां आकर नशे के इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये जगह सुनसान है और शहर और गांव से थोड़ी दूर है। पुलिस की ओर से इस इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक नशा करने वाले लड़कों या किसी और शख्स का कुछ पता नहीं चला है। मौके से सिर्फ नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली खाली सिरिंज ही बरामद हुई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। असी ना सर इतने पिंड उपली इतने रेलवे की लाइन है, इतने पुल बनया हाईवे है संगरूर बठिंडा हाईवे। सानू एक दो दिन पहला इतने राजकुमार जी ने साडे सेवक ने बहुत वधिया तो उन्होंने सानू दस्या कि इतने ना जिहड़े नशा करते हैं मुंडे। अज मैं रेलवे पुलिस भी तो PCR की टीम तो इधर सिटी पुलिस मैं थाना सदर संगरूर तो आया इतने से चैकिंग पूरी बधाई है जी उदे की है जिदे भी सानू इनफॉर्मेशन मिली है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਿਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ SHO ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਉਪਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਸਰਿੰਜਣਾ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ PCR ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, CI ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਚਲਾਈਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਮਾਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਸ ਸਕਣਗੇ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की बड़ी जीत को लेकर संगरूर में जश्न का माहौल है। संगरूर में भाजपा दफ्तर के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के लोग भाजपा को चाहते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीत का फतवा दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। भारत विकास परिषद और सनातन धर्म सभा फिरोजपुर छावनी की तरफ से लोगों के लिए 20 रुपए में पेट भर खाना देने वाली सीता रसोई का एक वर्ष पूरा होने पर सनातन धर्म मंदिर में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिला मंडल ने कीर्तन कर प्रभु का गुणगान किया और उसके पश्चात लंगर वितरित किया गया। इस संबंधी प्रधान विशाल गुप्ता, सेक्रेटरी नरेश गोयल और अरुण छरिया ने बताया कि सीता रसोई के माध्यम से एक साल में 5,000 से ज्यादा लोगों को 20 रुपए में भरपेट खाना दिया गया है। ये सभी इलाके के लोगों के सहयोग से चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी और अन्य प्रोग्राम पर भी सेवा निभा सकता है। वहीं उन्होंने सारे दानी सज्जनों का भी धन्यवाद किया जो कि इस सीता रसोई में सहयोग दे रहे हैं। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले भारत विकास परिषद की ओर से सभी समाजवासियों का और फिरोजपुर वासियों का धन्यवाद, जिनके द्वारा सनातन धर्म सभा और फिरोजपुर वासियों के सहयोग से रसोई चल रही है। जिस संकल्प को लेकर चले थे, नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प को लेकर छोटा सा बूटा लगाया था, आज ये देखने में आ रहा बहुत ही हरा भरा हो गया है। आज इसमें लगभग 200 से ऊपर लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं, जरूरतमंद लोग, और इसमें निष्काम भाव से और लोग जुड़ रहे हैं जो सेवा भाव से जुड़ी जा रहे हैं।
आज उसी के 365 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आज ये आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के विभिन्न विभिन्न लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस प्रकार भी सहयोग है उनका धन्यवाद कर रहे हैं समाज का, जिन्होंने 52,000 से लगभग ऊपर लोगों को भोजन दे चुके साल में। परमात्मा हमें इसी प्रकार ही आगे से सेवा करने के लायक बनाता रहे। जय श्री राम। आज भारत विकास परिषद का एक इकाई है सीता रसोई, जिसके अंदर की लोगों को भर पेट खाना दिया जाता है। उसके एक साल पूर्ण होने पर यहाँ पर पहले 5 हनुमान चालीसा का पाठ और उसके बाद महिलाओं द्वारा संकीर्तन किया गया, जिसमें कि हमारे पास 200 से 300 महिलाएं जिन्होंने आज संकीर्तन में भाग लिया। और यहाँ पर जो सीता रसोई के अंदर हम लोगों को जो भोजन करवा रहे हैं उसमें 20 रुपये थाली लेते हैं और लोग बहुत चाव से हमारा भोजन ग्रहण करते हैं। इस सीता रसोई के अंदर जिन्होंने हमारा सहयोग किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जैसे हमें चावल दे रहा है, कोई अपने पितरों की पुण्यतिथि पर भोजन करवाता है, कोई जन्मदिन दिवस पर भोजन करवाता है, कोई अपनी मैरिज में से भोजन करवाता है, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समाज का इसी तरह शुक्रगुजार रहेंगे। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें रंजीत आर्य और अनु आर्य ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित देवदत्त गुरु कुल करतारपुर वालों ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यज्ञ को सम्पन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पौंडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्र मुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्वनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनित भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलिनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दुश्मनी मोल लेता हूं लोगों से मैं, दुश्मनी मोल लेता हूं मैं सबके मुंह पर सच हो क्रांतिकारी स्वभाव, इनके धार्मिक, इनका विचार, सामाजिक विचार, ये परमात्मा से भी लड़ते हैं, कई बार तो समाज से भी लड़ते हैं। अगर गलत लगे तो अवश्य लड़ते हैं। ये चाहे तो देश हित के लिए, मैं देख रहा था कि देश हित के लिए जो भी इन्होंने बोला, बहुत ही इनके अंदर एक स्वाभाविक प्रेम है देश का। तो मैं बहुत पुराने वर्षों से इनको जानता हूँ, तो आर्य समाज में तो इनका हमेशा ही हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। एकजोत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शहीद भगत सिंह नगर में 32वां वार्षिक जागरण 9 दिसंबर दिन शनिवार को बड़ी श्रद्धा पूर्वक करवाया जा रहा है। इस होने वाले जागरण के उपलक्ष्य में झंडे की रस्म विधिवत पूजा अर्चना कर की गई। इसमें पहले श्री सनातन धर्म मंदिर शहीद भगत सिंह कॉलोनी से झंडे की फेरी निकाली गई, जो विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए जागरण स्थल पर पहुंची, जहां पर पंडित कन्हैया लाल शर्मा ने पूजन कर हवन यज्ञ में सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों से आहुतियां डलवाई। इसके पश्चात विशेष रूप से पहुंचे समाज सेवक कविराज
पशान और मनहर पशान ने झंडे की रस्म अदा करवाकर सोसाइटी के पदाधिकारियों को होने वाले जागरण की बधाई दी। इस दौरान सोसाइटी की संकीर्तन मंडली ने संकीर्तन कर सभी मां भक्तों को 9 दिसंबर को होने वाले जागरण में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तैयारियों संबंधी जानकारी देते हुए संदीप गुप्ता, कुश चावला, अमित शर्मा, नरेश कुमार बधवा, मनहर पशान, शिवम गुप्ता, हरविंदर सिंह सचदेवा, रोहित मिश्रा, सुनील शर्मा, मुनिश शर्मा, अंकुश संघवाल ने बताया कि जागरण में भजन गायक महंत अजय राजन एंड पार्टी जालंधर वाले, राजकुमार सहगल एंड पार्टी जालंधर वाले, मुकेश इनायत एंड पार्टी जालंधर वाले मां भगवती का गुणगान करेंगे। वहीं ओम आर्ट्स ग्रुप की तरफ से अनेक प्रकार की झांकियां पेश की जाएंगी। जागरण में मां भक्तों के दर्शनों के लिए पावन ज्योति ज्वाला धाम से लाई जाएगी। जागरण में आने वाले मां भक्तों के लिए अनेक प्रकार के लंगर सारी रात विभिन्न सोसाइटियों की तरफ से लगाए जाएंगे। इस मौके पर सोसाइटी के रमेश कुमार, सुदेश शर्मा, ललित गुप्ता, विनोद वधवा, आरके गुप्ता, संदीप गुप्ता, कुश चावला, जयंत भार्गव, विनीत शर्मा, रजत शर्मा, पुनीत भंडारी, अभिषेक संघवाल, कमल लुभाना, अजय बत्रा, मुनीश अरोड़ा भी शामिल थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। चकारा शेरा वाली दा आज भगत सिंह कलोनी दे विच झंडा रस्म की गई है। पंडित कन्हैया लाल जी वालों इस पर 32वां जागरण असं बना रहे हैं भगत सिंह कलोनी विच। मैं संपूर्ण कलोनी निवासियों तो संपूर्ण शहर निवासियों चाहना वा कि निवेदन करता वा कि वो इस जागरण से अपना सहयोग जरूर दें। एक जोत वेलफेयर सोसाइटी वालों 32वां विशाल जागरण भगत सिंह कलोनी कराया जा रहा, जिस विच सम्मानित श्री शीतल विच जी चीफ गैसट तौर पर श्री रिंकू जी, केड़ी भंडारी जी उपस्थित होंगे। सभी निवासियों को निवेदन है कि आप जी भी अपनी हाजिरी जरूर लगवा। जय माता दी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित गुरुद्वारा सोढल छावनी निहंग सिंघा में मिसल शहीदा तरनादल के मुखी संत बाबा निहाल सिंह जी हरिया वेला वाले के सहयोग से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिसमें गतका पार्टी, नगाड़ा पार्टी, बैंड पार्टी और स्कूली बच्चों ने भाग लेकर अपनी कला के जोहर दिखाए। तो वहीं घुड़सवार निहंग सिंहों ने इस नगर कीर्तन में भाग लिया। इस अवसर पर शिरोमणि कमेटी के सदस्य कुलवंत सिंह मन्नण, गुरचरण सिंह चन्नी, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व CPS के डी भंडारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हेड ग्रंथी भाई कुलविंदर सिंह, भाई सुरेंद्र सिंह रिहल, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कुलदीप सिंह पायलट, अमरजीत सिंह, मनिंदर पाल सिंह गुंबर, मास्टर अमरीक सिंह, हरविंदर सिंह स्वीटी, सतिंदर सिंह, अवतार सिंह घुमन, हंसराज राणा, हरविंदर सिंह नागी, हरपाल सिंह चड्ढा, ताजिंदर सिंह परदेसी, हरप्रीत सिंह नीटू सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज गुरु नानक देव जी दे पहली पाशे गुरु नानक देव जी दे जिहड़े अपना गुरपुरब दे संबंध विच सुडल जिहड़ा गुरुद्वारा निहंग सिंह सोनी जिहड़े उन्हां वल्लों हर साल जिहड़ा विशाल नगर कीर्तन जिहड़ा है सारे सुडल ते उहदे आस पास दे एरिए जिहड़े ने उन्हां च सवेरे तकरीबन 11-12 बजे दे करीब शुरू हो के ते इस टाइम हुण वापस गुरद्वारा साहब दे विच आउंदे ने संगतां सारियां, सारा दिन सारे एरिए दे विच जिहड़ा गुरु नानक देव जी दा गुरु दा जिहड़ा है नाम लेवा उन्हां दा नाम लैंदे ने, नाम उच्चारण करदे ने ते कीर्तन करदे ने। ते इस उपलक्ष्य दे विच इत्थे कृष्णा टेंट हाउस जिहड़े साडे वीर बंटी जी ने, इन्हां ने, इन्हां दी टीम ने इत्थे लंगर दा संगतां वास्ते आयोजन कीता है। सारिआं नूं गुरु नानक देव जी दे अपना गुरपुरब दे उत्ते लख लख जिहड़ी है वधाई दिंदे आ। बरनाला के शहर तपा मंडी श्री बालाजी प्रचार मंडल द्वारा समाज सेवी और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से श्री बालाजी सालासर वाले हनुमान जी का विशाल भव्य जागरण अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया।
सबसे पहले शहर में एक विशाल भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। शहर की समाज सेवी और धार्मिक संस्थाओं ने जगह जगह स्वागती गेट लगाकर और पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान श्री बालाजी मंदिर, सालासर राजस्थान से विशेष रूप से लाई गई पवित्र ज्योति आकर्षण का केंद्र रही। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने हाथों में केसरी ध्वज लेकर शामिल हुई। यात्रा जागरण कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस जागरण स्थल पर पहुंची। जागरण में पंजाब के प्रसिद्ध भजन गायक कुश कन्हैया लुधियाना वाले और अभिनव एरन हिसार वालों ने श्री बालाजी महाराज का गुणगान कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान मंडल द्वारा जागरण में पहुंचने वाले सभी भक्तों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। अंत में श्री बालाजी महाराज की आरती उतारी गई और संगत में प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन भगवान दास लोहे वाले, वाइस चेयरमैन रामलाल गर्ग, अध्यक्ष अशोक कुमार घुड़ेला, कोषाध्यक्ष विजय धुरकोटिया, सचिव रमन बांसल, अशोक कुमार शहणा, रमेश सिंगला, हरीश तनेजा सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। असी बालाजी प्रचार मंडल तपा 15वां विशाल बालाजी का जागरण बड़ी धूमधाम नाल करवा रहे हैं। इस दे विच अज पहली बार असी ध्वजा सम्मेलन जो ध्वजा यात्रा है वह असी श्रद्धा भाव के नाल मंडी निवासियों के सहयोग के नाल बहुत ही वधिया ढंग दे नाल कर रहे हैं, जिदे विच सानू पूरी मंडी का विशेष सहयोग है, लेडी का विशेष सहयोग है, साडे शहर निवासियों का विशेष सहयोग है। असी सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धार्मिक संस्थावां का बहुत सहयोग है, साधु संत महात्मा का बहुत सहयोग है। असी सालासर तो हर साल ज्योति भी जो लैके आने हैं उसकी हर परिक्रमा भी करते हैं। असी बहुत बहुत मंडी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवादी हैं, जिसका 2 तरीक कल असी जागरण करन जा रहे हैं। साढ़े किन्ने बालाजी प्रचार मंडल किन्ने 15वां विशाल जागरण बालाजी का अग्रवाल धर्मशाला विच कल तरीक 2 तरीक नूं करवाया जा रहा है, जिस विच दूर दूरों नेड़ों बहुत ही भगत बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो सानू सारिया ही मंडी धार्मिक संस्थावां का, समाजिक संस्थावां का, लेडीज विंग का बहुत ही बहुत ज़्यादा सहयोग आ। असी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अज पहली यात्रा ध्वजा यात्रा जी कि असी मंडी के विचों की कढ़ रहे हैं, वो शुरुआत जी होगी 5 नंबर गली विचों होगी, तो समाप्ति भी इतने ही करांगे आगे। असी सारे ही धर्मां दे लोगों को यह गल कहने चाहते हैं भी एकजुट होकर आपां धार्मिक प्रोग्राम करया करिए। तो शिव शक्ति मंदिर अनूपनगर बस्ती दानिशमंदा की ओर से करवाए गए 13वें वार्षिक जागरण के उपलक्ष्य में हनुमंत ध्वज को मां चिंतपूर्णी धाम हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने के लिए भक्तों का जत्था काफिले के रूप में रवाना हुआ। इस दौरान भक्तों ने प्रभु महिमा का गुणगान कर इस यात्रा को पूर्ण किया और मां चिंतपूर्णी धाम में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर हनुमंत ध्वज को वहां पर स्थापित किया। इस अवसर पर प्रधान बंसीलाल, पंडित जयप्रकाश, बिंदर, अनमोल, सचिन, गगनदीप घई, सनी, पूरण, अश्वनी काला सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि धर्मशाला वेलफेयर सोसाइटी संसारपुर जालंधर कैंट की ओर से भगवान वाल्मीकि मंदिर से भगवान वाल्मीकि तीर्थ यात्रा अमृतसर के लिए 2 बसें रवाना हुई। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर सोसाइटी के सदस्यों ने सभी भक्तों की मंगलमयी यात्रा की कामना के साथ बसों को रवाना किया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। यात्रा चली है जिहड़ी कि अमृतसर साढ़े वाल्मीकि आश्रम जा रही है और साड़ी सारी संगत के विच बहुत खुशी का माहौल है। इसी तरह असी हर साल संसारपुर तो अमृतसर आश्रम जरूर लैके जावांगे यात्रा। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। संसारपुर धर्मशाला वालों पहली यात्रा चली है।
ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਬਣਿਆ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। विनोद गोसाई अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर प्रभु चरणों में जा विराजमान हुए हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म पगड़ी गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय विनोद गोसाई की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में गौरव शर्मा, स्मृति शर्मा, सिद्धार्थ कालिया, प्रेमा कालिया, चमनलाल शर्मा, सुषमा शर्मा, अरुण शर्मा, नीलम शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय विनोद गोसाई को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डाली। अमृतसर एयरपोर्ट पुलिस ने पिस्तौल से फायरिंग कर लूट करने वाले दो आरोपियों को किया काबू। 32 बोर का पिस्तौल, मैगजीन, 6 जिंदा रौंद और मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के एलिवेटेड रोड ब्रिज पर हुआ एक हादसा। स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण महिला की कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलटी। संगरूर के उपली भरूर रेलवे ट्रैक पर नशे के टीके लगाते लड़कों की वीडियो हुई वायरल। पुलिस ने ट्रैक पर से नशे की सिरिंजों का भंडार किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।